नमस्कार दोस्तों, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे भारत सरकार ने बजट 2024 में माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप पेश किया। और ये विवाद से विश्वास स्कीम 2024 करदाताओं को क्या ऑप्शन देती है, क्या बेनिफिट्स देती है, इस स्कीम की कट ऑफ डेट्स क्या है, आपको किस प्रकार डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है, अगर आप टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह का पेमेंट करते हैं तो आपको वास्तव में बचत क्या होने वाली है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने अंदर समेटे दोस्तों ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए आगे लिए चलता हूं विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को डिटेल्ड प्रारूप में समझने के लिए। एक पेंडिंग लिटिगेशन का बैकग्राउंड काम कर रहा है इस विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के लिए। More than 6 lakh cases are estimated to be pending at various appellate forums with total amount of demand under dispute exceeding 10.6 lakh crore rupees which is approximately 5.6% GDP size of India. आप समझिए दोस्तों के इनकम टैक्स का लिटिगेशन कितना पेंडिंग है, ये तस्वीर आपको इस स्लाइड से मिलेगी। और इसी पेंडिंग लिटिगेशन और इसमें फंसी टैक्स डिमांड को सल्टारा करने के लिए भारत सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। इस स्कीम का फायदा जहां करदाताओं को मिलेगा उसके साथ साथ भारत सरकार को भी इस स्कीम से बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए इसी पेंडिंग लिटिगेशन के बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में आगे स्कीम को समझते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड समझने के बाद में वैसे आपको क्लियर है, फिर भी एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा व्हाई दिस स्कीम इज टू रिजॉल्व द टैक्स डिस्प्यूट्स एंड अकॉर्डिंगली रिड्यूसिंग लिटिगेशन देयर ऑफ। और साथ ही दोस्तों इस स्कीम को VSVS 2024 भी कहा जा रहा है, VSVS 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि VSVS 1.0 विवाद से विश्वास स्कीम 2020 पिछली स्कीम थी, उसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने प्रोबेबली स्कीम लॉन्च की। बैकग्राउंड मटेरियल में आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि आप इस स्कीम से जुड़े प्रावधानों को और बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहें, क्योंकि मेरी इस वीडियो में तो मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन किया है, लेकिन आप प्रिसाइसली लॉ से समझना चाहें तो आपको फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के सेक्शन 88 से सेक्शन 99 यानी 88-99 का एक बेयर रीडिंग अध्ययन करना चाहिए। साथ ही इस संदर्भ में 20 सितंबर 2024 का एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू संबंधित रूल्स यहां पर लेकर के आए गए हैं विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को प्रभावी बनाने के लिए, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्कीम। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं इस बात से हु मे अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का बेनिफिट कौन से करदाता उठा सकते हैं। As per Section 89, Subsection 1, Clause A of Finance Number 2 Act 2024, following persons are eligible to participate in this scheme. Number 1, taxpayers, in whose case any appeal is pending before CIT appeal, ITAT, High Court or Supreme Court, including special leave petition before Supreme Court, filed either by the assessee or by the income tax authority as on the specified date. Ye ek specified date ka concept hai. अगर उस डेट पर आपकी कोई अपील सीआईटी अपील में, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील भी हो सकती है, रिट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी हो सकती है और अपील भी हो सकती है, अगर मैटर पेंडिंग है एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, तो आप एलिजिबल एसएससी हैं जिसको इस पर्टिकुलर स्कीम में आने का ऑप्शन मिलता है। टैक्सपेयर्स इन हूज केस एन ऑब्जेक्शन बिफोर डीआरपी इज पेंडिंग और डायरेक्शन हैव बीन इशूड बाय द डीआरपी but no final order has been passed by the AO as on the specified date. Again, दूसरी कैटेगरी उन करदाताओं की है जो ज्यादातर नॉन रेजिडेंट हैं या जिनके केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में कोई पर्टिकुलर मैटर पेंडिंग है। यहां हर नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं बात करूंगा, उन नॉन रेजिडेंट के लिए बात करूंगा दोस्तों जहां AO ने ड्राफ्ट ऑर्डर बना लिया और ड्राफ्ट ऑर्डर बनाने के बाद उनका मैटर डीआरपी में पेंडिंग है, तो डीआरपी डायरेक्शन दे या डीआरपी ने डायरेक्शन दे दिए परंतु AO ने अभी फाइनल ऑर्डर नहीं पास किया डीआरपी के डायरेक्शन पर बेस्ड, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं अंडर विवाद से विश्वास स्कीम 2024। ऐसे टैक्सपेयर इन हूज केस द रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज पेंडिंग बिफोर पीसीआरटी और सीआईटी एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अगेन स्पेसिफाइड डेट को वे सभी करदाता जिनकी एक रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सीआईटी के समक्ष पेंडिंग थी, ऐसे करदाता भी दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में आ सकते हैं। परंतु वो करदाता
जिनका रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 263 पेंडिंग है, यानी सीआईटी ने एक रिवीजन स्यू मोटो इन्वोक कर रखा है, उन्हें यहां इस स्कीम में आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात कर रहा हूं दोस्तों उन व्यक्तियों की, उन असेसीज की जो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आ सकते या जिन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हु आर दे? वन, वेयर द टैक्स एरियर्स पर्टेन टू असेसमेंट कंप्लीटेड इन परसुएंस ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 132। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्च करता है अंडर सेक्शन 132, तो संबंधित करदाता पर या तो सेक्शन 153A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में या 153C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में या सेक्शन 147-148 में कॉन्सिक्वेंशियल असेसमेंट होते हैं। तो ऐसे करदाता जिनके लिए कोई असेसमेंट 132 के कॉन्सिक्वेंस में किया गया हो, उन करदाताओं को दोस्तों इस स्कीम में आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, चाहे उनका केस स्पेसिफाइड डेट पर पेंडिंग क्यों ना हो अपील में। इफ अ प्रोसिक्यूशन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड बिफोर फाइलिंग द डिक्लेरेशन, अगर किसी करदाता पर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसको भी इस पर्टिकुलर स्कीम में आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इफ द अनडिस्क्लोज इनकम और एसेट्स आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि किसी करदाता के केस में कोई अनडिस्क्लोज इनकम या एसेट्स ऐसी असेस की गई है जो इंडिया से बाहर लोकेटेड थी या इंडिया से बाहर कमाई गई थी, तो ऐसी परिस्थिति में करदाता विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 में नहीं एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। इफ द असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री, सेक्शन 90 और 90 ऑफ इनकम टैक्स है, कई बार DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से भारत सरकार को दूसरे देश से सूचना मिलती है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कि उनके पास में कोई पर्टिकुलर इनकम है और भारत सरकार पाती है कि उन्होंने वो इनकम इंडिया में ऑफर नहीं करी अगर वो टैक्सेबल थी तो, और मान लीजिए वहां कोई टैक्स डिस्प्यूट है, तो ऐसे करदाता भी विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वेयर द डिटेंशन ऑर्डर अगेंस्ट द असेसी हैज बीन मेड अंडर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 एंड द सेम हैज नॉट बीन सेट असाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी पर्टिकुलर करदाता के विरुद्ध कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में कोई पर्टिकुलर डिटेंशन की कार्यवाही, डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है, तो ऐसा करदाता भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत आवेदन नहीं बन सकता। कुछ और कैटेगरीज हैं दोस्तों जो अप्लाई नहीं कर सकते विवाद से विश्वास स्कीम में। टैक्स पेयर हु इज इन्वॉल्व इन केसेस अंडर स्पेसिफिक लॉज such as the Unlawful Activities Prevention Act, Narcotic Drugs Act, Prevention of Money Laundering Act, or the Prevention of Corruption Act, amongst other, and has been prosecuted or convicted before filing the declaration. Then, if a prosecution has been initiated by an income tax authority against an assessee under Bharatiya Nyaya Sanhita and any other law for enforcing civil liabilities before filing the declaration, such person also can't be an applicant. And where the assessee is notified under the Special Code Trial of Offences Relating to Securities Transaction Act 1992 before declaration, ऐसे सभी करदाताओं को विवाद से विश्वास स्कीम आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेट फॉर द पर्पस ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम 2024। ये डेट बड़ी क्रिटिकल है, ये डेट है 22 जुलाई 2024। यानी अगर आपका कोई केस सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या रिवीजन अंडर सेक्शन 264 पेंडिंग था 22 जुलाई 2024 को, तब तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम में आने के योग्य हैं, अन्यथा आप इस स्कीम में आने के योग्य नहीं है। तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाइड डेट पर किसी केस का स्टेटस क्या है और उसके अनुरूप इस स्कीम में आने की या नहीं आने की एलिजिबिलिटी या इन एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिक्लेरेशन अंडर द स्कीम शुड बी सबमिटेड बिफोर, के आपको करना क्या है इस स्कीम में आने के लिए, एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन फाइल करना है। यह डिक्लेरेशन दोस्तों मेरे ओपिनियन में ऑनलाइन फाइल होगा। यह डिक्लेरेशन फाइल होगा बिफोर एन अथॉरिटी हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीआईटी। सरल शब्दों में बोलूं तो जो आपके ज्यूरिसडिक्शन सीआईटी होंगे उनके समक्ष आपका ये फॉर्म वन
आगे फॉर्म्स का भी चर्चा मैं करूंगा। एक फॉर्म वन आपको फाइल करना है। द पर्सन हु इज मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल बी टर्म्ड एज डिक्लेरेंट। दैट इज अ पर्सन हु फाइल्स अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 91 ऑफ द स्कीम। तो ये डिक्लेरेशन सीआईटी के समक्ष जो व्यक्ति फाइल करेगा वो डिक्लेरेंट कहलाएगा, और इस डिक्लेरेंट की इस एप्लीकेशन पर आगे सीआईटी डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ फिट केस एंड अकॉर्डिंगली उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात तय करी जाएगी। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आगे बढ़ने से पहले जिन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रोल प्ले करेंगी कि आपको फाइनली इस स्कीम में क्या पेमेंट करना है उसकी क्वांटम को तय करने में। जैसे डिस्प्यूटेड इनकम, इनकम रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड टैक्स। मान लीजिए मैंने 7 लाख रुपीज की ITR भरी, 7 लाख टोटल इनकम बताया, डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए एडिशन किया और मेरी टोटल इनकम 17 लाख डिसाइड कर दी। तो ये जो 10 लाख रुपए की इनकम एक्स्ट्रा है ये डिस्प्यूटेड इनकम कहलाएगी। इसी 10 लाख की इनकम पर मान लीजिए 3 लाख का टैक्स बनता है और कॉन्सिक्वेंटली उस 3 लाख के टैक्स से रिलेटेड सेक्शन 234A 234B के कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, या TDS के मामलों में किसी करदाता पर इस आधार पर कि उसने TDS काटना था नहीं काटा, डिपार्टमेंट ने सेक्शन 201 में ब्याज लगा दिया। करदाता कह रहा है कि नहीं साहब मेरे को तो TDS ही नहीं काटना था, तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट अमाउंट वहां पर क्या हो गया, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट हुआ। ऐसे ही डिस्प्यूटेड पेनल्टी के मैटर भी हो सकते हैं। सपोज किसी करदाता ने टैक्स ऑडिट नहीं करा क्योंकि ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि टैक्स ऑडिट लागू नहीं, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं साहब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है, आपको ऑडिट करानी चाहिए थी, तो डिपार्टमेंट ने उस करदाता पर सपोज 1 लाख की पेनल्टी लगा दी असरसी अपील में, तो ऐसी पेनल्टी क्या कहलाएगी, डिस्प्यूटेड पेनल्टी। इसी प्रकार टीडीएस नॉन कंप्लायंस या किसी ITR नहीं फाइल करने की परिस्थिति में किसी करदाता पर फीस भी ड्यू हो सकती है, तो ऐसी डिस्प्यूटेड फीस के मैटर भी इस पर्टिकुलर स्कीम में आने के लिए एलिजिबल या फिट केसेस होंगे। यहां पर केवल इनका रेफरेंस एक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैंने रखा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्प्यूटेड टैक्स को समझना, क्योंकि इस पर बहुत सी बातें डिपेंड करेंगी। Disputed tax in relation to an assessment year or financial year, as the case may be, means the income tax including surcharge and cess payable by the appellant under the provisions of Income Tax Act computed hereunder. तो बड़ी क्लियर बात निकल कर के आ रही है कि टैक्स में केवल टैक्स रेट की टैक्स नहीं शामिल होगा, इसमें सरचार्ज एवं सेस की राशि भी दोस्तों शामिल की जाएगी। यानी टैक्स रेट फर्दर एनहांस बाय सरचार्ज एंड सेस will be considered for the purpose of determining disputed tax. अब अलग अलग केसेस में disputed tax के अलग अलग inferences निकलेंगे। In case where an appeal writ petition SLP is pending before appellate forum, as on the specified date, the amount of tax that is payable by the appellant if such appeal or writ petition or SLP was to be decided against him. बड़ी clear बात है कि suppose मैंने बोला जी मेरे 7 लाख रुपए की income already offered थी, 10 लाख रुपए का एडिशन मेरे पर किया, मान लीजिए उस 10 लाख रुपए पर मेरे को टैक्स लायबिलिटी लगती है 30% की, तो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट कितना हो गया एक्स्ट्रा की, ये 2,10,000, और फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम ये डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट जो डिटरमाइन होगा ऐसे डिटरमाइन होगा जैसे कि वो केस मेरे अगेंस्ट डिसाइड होता। यानी अगर आपको अपील में ऑलरेडी ये लगता है कि मैं किसी केस पे जीत जाऊंगा, तो और आप इस स्कीम में जा रहे हैं विवाद से विश्वास में, तो जिस मुद्दे पर आप अपील में हैं आप इस स्कीम में जाते समय ये मान के जा रहे हैं कि जैसे कि मैं उस पर्टिकुलर मुद्दे पर हार जाऊंगा तब मैं इस विवाद से विश्वास स्कीम में जा रहा हूं। दूसरा मैटर, इन केस वेयर ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय द अपीलेंट इज पेंडिंग बिफोर DRP अंडर सेक्शन 144C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, the amount of tax payable by appellant if the DRP was to confirm the variation proposed in the draft order. क्या आपका मैटर DRP में पेंडिंग है, इन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर कर दिया, तो आप इस स्कीम में जा रहे हैं तो आपके डिस्प्यूटेड टैक्स की गणना कैसे होगी, जैसे कि DRP वो सारे एडिशन कंफर्म कर देगी जो इन्होंने अपने ड्राफ्ट ऑर्डर में प्रपोज किए हैं। इस डिस्प्यूटेड टैक्स की डेफिनेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हुए दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज और आपसे डिस्कस करूंगा। इन केस वेयर DRP हैज इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द असेसिंग ऑफिसर हैज नॉट कंप्लीटेड द असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 13 ऑफ दैट सेक्शन ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एप्लीकेंट एज पर द असेसमेंट ऑर्डर टू बी पास बाय द EO इन परसुएंस ऑफ सैड असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 13 देयर ऑफ।
तो जहां पर डीआरपी ने डायरेक्शन पास कर दिए परंतु एओ ने अभी अपना फाइनल ऑर्डर नहीं पास किया, तो डिस्प्यूटेड टैक्स की गणना किस राशि पर की जाएगी? असेसमेंट ऑर्डर जो एओ पास करता डीआरपी के डायरेक्शन पर बेस्ड होकर, उसके बेसिस पर जो ऑर्डर पास होता वहां से डिस्प्यूटेड टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। ऐसे ही सेक्शन 264 के मैटर में क्या होगा, इन केस वेयर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज पेंडिंग एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द अपीलेंट इफ सच एप्लीकेशन फॉर रिवीजन वॉज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। तो ये मानते हुए कि आपने जो रिवीजन एप्लीकेशन करी है वो मेंटेन नहीं होगी, उसके आधार पर आपके डिस्प्यूटेड टैक्स की गणना की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि जैसे कि करदाता वो केस जिसमें वो अपील में हार जाएगा तो उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी क्या होगा या फीस क्या होगी, उन राशियों को डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस कहा गया। आप कहेंगे अनूप जी अब आपने ये डिस्कशन किया है तो इससे तो ये लग रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, अभी आप ये इन्फेरेंस ये इंटरप्रिटेशन ना निकालें। आगे के जब मैं चार्ट फॉर्मेट के डिस्कशन करूंगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि वास्तव में इन राशियों में से आपको देना क्या है। दोस्तों अब मैं आपके साथ में चार टेबल्स के थ्रू दो क्लासिफिकेशन में डिस्कशन करूंगा कि आपको डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस में से वास्तव में देनी क्या राशि है। पहली टेबल रख रहा हूं जिसका क्लासिफिकेशन है अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द स्कीम इफ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट, क्या आपकी अपील असेसमेंट ऑर्डर से संबंधित है और आपकी अपील फाइल की गई थी 31 जनवरी 2020 के बाद यानी 1 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स, जिसे मैंने न्यू अपीलेंट केस यहां पर माना। आपके नेचर ऑफ टैक्स एरियर में कैटेगरी में शामिल है से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेविड और लेवीएबल। अब अमाउंट पेबल अंडर द स्कीम क्या होगी, यदि आप एक डिक्लेरेशन फाइल कर लेते हैं 31 दिसंबर 2024 या उससे पूर्व तो आपको केवल और केवल क्या राशि देनी है, आपको उस परिस्थिति में दोस्तों राशि देनी है केवल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। और यदि आप इस डेट के बाद में अप्लाई करेंगे यानी आप 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10% की राशि जमा कराते हुए जाना पड़ेगा। तो सपोज इन एन एग्जाम्पल मेरे 10 लाख के एडिशन पे 3 लाख का कोई पर्टिकुलर टैक्स बनता है, तो 3 लाख का टैक्स जो मेरे ऊपर बना है ये डिस्प्यूटेड टैक्स हुआ। इस 3 लाख के टैक्स से जुड़ी पेनल्टी, इस 3 लाख के टैक्स से जुड़े इंटरेस्ट का वेवर मुझे मिल जाएगा अगर मैं 31 दिसंबर 2024 तक जाऊंगा, प्रोवाइडेड मैं 3 लाख पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। यदि मैं 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड जाता हूं तो ऐसी परिस्थिति में मुझे 3,30,000 रुपए की राशि देते हुए जाना पड़ेगा। तो अगर आप जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर के बिगिनिंग में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो आपको एक तरीके से जनवरी ऑनवर्ड्स डिक्लेरेशन फाइल करने की अपेक्षा कम पैसे में यहां पर विवाद से विश्वास समाधान मिलता दिख रहा है। तो दूसरी कैटेगरी देखिएगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द स्कीम इफ द अपील रिलेट्स टू इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस। पिछले केस में अपील किससे रिलेटेड थी, वो टैक्स से रिलेटेड थी, असेसमेंट से रिलेटेड थी। अब अपील किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस की लेवी से संबंधित है, और ये मानना अभी भी चालू है कि अपील फाइल हुई है 1 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स न्यू अपीलेंट केस में। तो अगर आपकी अपील केवल इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस से संबंधित है और आप डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करेंगे तो आपको ड्यू राशि का केवल 25% अमाउंट ही देना पड़ेगा। सपोज मैंने टैक्स ऑडिट वाला मैटर बोला कि किसी पर 1 लाख की पेनल्टी लगी, करदाता अपील में चला गया, अपील सपोज हुई थी 12 जनवरी 2023 को और अभी पेंडिंग है। करदाता कहता है कि साहब मेरे को इस पर्टिकुलर मैटर को विवाद से विश्वास में सुलटाना है, तो 1 लाख की जगह केवल 25,000 रुपए ही देने पड़ेंगे 31 दिसंबर 2024 तक की एप्लीकेशन में। यदि वो करदाता 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड से अप्लाई करेगा तो ऐसी परिस्थिति में डिक्लेरेशन इन डेट्स पर आने पर 30% की राशि देनी होगी यानी 1 लाख की जगह 30,000। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम में कितनी राशि आपको देनी है डिस्प्यूटेड पेनल्टी फीस इंटरेस्ट में से या डिस्प्यूटेड टैक्स में से, वो बात क्लियरली समझना जरूरी है। तो अब बात रखता हूं आपके सामने अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द स्कीम इफ अपील वॉज फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020 विच इज टर्म्ड एज ओल्ड अपीलेंट केस, के अगर ऐसे करदाता जिनकी अपील 31 जनवरी 2020 या उससे पहले फाइल हो गई जिन्हें ओल्ड अपीलेंट केस कहा गया, तो एक तरीके से इस स्कीम ने ओल्ड अपीलेंट केस जिसका मैटर पुराना पड़ा है पेंडिंग उस पर पेनल्टी ज्यादा लगाई है।
ये पेनल्टी लगाई है या आप इसे पेनल्टी समझ सकते हैं कि उसे ज्यादा टैक्स की राशि, ज्यादा पेनल्टी फीस की राशि देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स आई थी। तो अगर आपका मैटर असेसमेंट से रिलेटेड है और आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं 31 दिसंबर 2024 या उससे पूर्व, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10% ही देना पड़ेगा। यानी कितना देना है, सपोज मेरे 10 लाख वाले एग्जाम्पल में 3 लाख रुपए मैं दे रहा था यदि मेरी अपील 1 फरवरी 2020 ऑनवर्ड थी। यदि मेरी अपील 31 जनवरी 2020 या उससे पहले की पेंडिंग है तो मुझे 3 लाख प्लस 10% यानी 3 लाख 30 हजार देना होगा। ऐसे ही यदि मैं डिक्लेरेशन 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड फाइल करूंगा आगामी भविष्य में, तो मुझे 3 लाख प्लस 20% यानी 3 लाख 60 हजार रुपए की राशि दे करके उस केस को सुलटाना पड़ेगा अंडर दिस विवाद से विश्वास स्कीम 2024। अब दोस्तों फोर्थ टेबल आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि आपकी अपील 31 जनवरी 2020 या उससे पहले फाइल थी, इसे ओल्ड अपील केस कहा गया, और आपका अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी डिस्प्यूटेड फीस रिलेटेड मैटर, तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक 30% राशि डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी फीस की देनी पड़ेगी। यदि आप डिक्लेरेशन 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड फाइल करते हैं तो आपको 35% 35% अमाउंट पे करना पड़ेगा डिस्प्यूटेड अमाउंट का। तो इन चार टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रख देता हूं। यदि मेरे इस डिस्कशन से कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि अनुप जी क्या विवाद से विश्वास लेना अनिवार्य है, नहीं सर, विवाद से विश्वास स्कीम में जाना अनिवार्य नहीं है। ये टेबल्स की चर्चा मैंने इसलिए करी, यदि आप अपना मानस बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे इस स्कीम में जाना है या नहीं जाना, पहले आपको क्वांटम तय करना पड़ेगा कि मुझे फाइनली टैक्स या फीस या इंटरेस्ट या पेनल्टी का कितना राशि देनी है। अगर आप वो पेमेंट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ताकि आप एक मेंटल पीस बाय कर सकें, तब आप इस स्कीम में जाएंगे, अन्यथा आप स्कीम में नहीं जाएंगे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी और है, हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल इफ द असेसी हैज वन अपील इन प्रीवियस ईयर ऑन द सेम इशू बिफोर एनी अथॉरिटी। द अमाउंट पेबल विल बी रिड्यूस टू 50% इन फॉलोइंग सिनारियो। द अपील वॉज फिक्स्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज और द अपील वॉज फाइल्ड बिफोर एनी अथॉरिटी एंड एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर वॉज रिसीव्ड एंड अ हायर अथॉरिटी हैज नॉट रिवर्स सच एन ऑर्डर। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरा अपील था किसी मैटर पर 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए, जो मैं ऑलरेडी सीआईटी अपील में जीत चुका हूं, परंतु आईटीएटी में मेरी अपील पेंडिंग है। अब मैं इस अपीलेट प्रोसीडिंग के पेंडिंग होने के बावजूद विवाद से विश्वास स्कीम में जाना चाहता हूं, तो विवाद से विश्वास स्कीम में जाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीआईटी अपील फोरम पर जीत के आ रहा हूं, तो मुझे डिस्प्यूटेड टैक्स का या डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का वो राशि जो पिछली चार टेबल में आपने तय किया उसका केवल 50% राशि ही देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों वेयर द डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ मैट और ईएमटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और ईएमटी क्रेडिट और लॉस और डेप्रिशिएशन, मैट ईएमटी लॉस और डेप्रिशिएशन से रिलेटेड मुद्दों पर यदि डिस्प्यूट है तो टैक्स पेयर को ऑप्शन होंगे। टैक्स पेयर विल हैव एन ऑप्शन टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिलेटेड टू सच टैक्स क्रेडिट लॉस डेप्रिशिएशन इन डिस्प्यूटेड टैक्स, पहला ऑप्शन, और कैरी फॉरवर्ड द रिड्यूस्ड मैट एएमटी क्रेडिट और लॉस और डेप्रिशिएशन फर्दर। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन लेकर के फिर आप आगे बढ़ेंगे अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्लाइड बड़े काम की है। व्हाट विल बी द बेनिफिट और सेविंग ड्यू इफ वन ऑप्ट्स फॉर द स्कीम। नो लीगल प्रोसीडिंग फॉर इंटरेस्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड फॉर द टैक्स एरियर्स कवर्ड अंडर द स्कीम। क्योंकि आपने स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो आप पर इंटरेस्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन संबंधी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं चलेंगे। असेसी में ऑल्सो बी एंटाइटल टू रिसीव अ रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट इफ ऑलरेडी डिपॉजिटेड। हाउएवर असेसी विल नॉट बी एंटाइटल टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस अमाउंट पेड। कहने का मतलब यह है कि सपोज ऑलरेडी आप जिस मैटर में अपील में है जहां 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, करदाता ने 50 लाख जमा करा दिए। अब करदाता इस पर्टिकुलर स्कीम में आ गया और इस स्कीम के अनुरूप फाइनली करदाता को 30 लाख देने हैं, तो जो 20 लाख को एक्स्ट्रा जमा करा के बैठा है उसका रिफंड करदाता को मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैटर्स कवर्ड अंडर विवाद से विश्वास स्कीम कांट बी रीओपन अगेन। ये मैटर जो सेटल होंगे यहां पर, ये वापस से करदाता के विरुद्ध खोले नहीं जाएंगे।
दोस्तों, अब आपके समक्ष रख रहा हूं स्टेप्स अंडर द स्कीम। क्या आपने पिछली टेबल से ये अंडरस्टैंडिंग करी कि ओके मुझे देना क्या होगा? वो आपका देने का यदि मानस है तो क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं? वन में रिव्यू एनी टैक्स एरियर और डिस्प्यूट विच ही और शी विशेष टू रिजॉल्व अंडर विवाद से विश्वास स्कीम 2024। रिव्यू करिए, डिसाइड करिए क्या पे करना है, पे करने की पोजिशन है नहीं है, केस कितना कच्चा पक्का है। स्टेप टू, कंप्लीट फॉर्म वन। ऑनलाइन फाइल करना है फॉर्म वन which includes all necessary details as notified by tax authority. One needs to ensure that the declaration is submitted to designated authority, that is to the CCIT or CIT. After submission, one will receive an electronic receipt acknowledging your declaration. आप ऑनलाइन फाइल करेंगे आपके पोर्टल इनकम टैक्स लॉग इन के पोर्टल पोर्टल के लॉग इन से, तो आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिसीट एक्नोलेजमेंट के रूप में मिलेगी। देन any appeal pending before CIT appeal or ITAT regarding the same tax arrears will be considered withdrawn effective from the date certificate is issued. आपके declaration file करने के बाद में CIT उसको process करेंगे, उनका staff process करेगा and then एक certificate आपको issue किया जाएगा designated authority द्वारा कि okay हमने आपका ये particular जो declaration था accept किया, और इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी जो अपील पेंडिंग होगी सीआईटी अपील आईटीएटी में वो विड्रॉन मानी जाएगी। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी कोई रिट पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की थी तो वो आपको स्पेसिफिकली विड्रॉ करनी पड़ेगी। स्टेप्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगला स्टेप होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डिक्लेरेशन द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल देन इशू यू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म टू कंफर्मिंग द विड्रॉल ऑफ अपील। तो आपकी अपील विड्रॉ हो गई, इस बात का कंफर्म करते हुए आपको एक सर्टिफिकेट इन फॉर्म टू दिया जाएगा। आफ्टर रिसीविंग फॉर्म टू वन नीड्स टू प्रोसीड फॉर मेकिंग द पेमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। आपको फॉर्म टू मिल गया, उसमें अमाउंट तय किया जाएगा क्योंकि फाइनली आपको डिस्प्यूटेड टैक्स में से इंटरेस्ट पेनल्टी फीस में से ये राशि देनी है। अब आप कंप्लीट करें फॉर्म थ्री, ये आपको फर्निश करना है एज एन एसएससी। कंप्लीट फॉर्म थ्री टू फर्निश एन इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट मेड अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ एनी पेंडिंग अपील। सबमिट फॉर्म थ्री टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिकली। फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अपने लॉग इन में से फॉर्म थ्री सबमिट करना है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। Designated authority will then issue you a final order in form 4 regarding the payment made and confirm the closure of tax arrear dispute. यदि ये form आपको जारी हो गया तो इसका मतलब आप विवाद से विश्वास स्कीम में सफलतापूर्वक बाहर आ गए हैं। अब आपका जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है डिपार्टमेंट के साथ। अलॉन्ग साइड द डिक्लेरेशन वन विल नीड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग वेविंग हिज और हर राइट to seek any remedy related to tax arrear. Naturally, क्योंकि आप इस स्कीम में जा रहे थे तो आपको साथ साथ एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। जब अब मैं इस मैटर में और कोई रेमेडी अपील में रिट में एसएलपी में नहीं क्लेम करूंगा। दोस्तों, दो तीन और छोटे छोटे पॉइंट जो इससे जुड़े हैं। एनी डिटेल्स डिक्लेरेशन नीड टू बी सबमिटेड वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर विवाद से विश्वास 2024। एसएससी मस्ट कंप्लाई और सबमिट द इंफॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। वन, once the declaration is submitted, any pending appeal before CIT appeal ITAT will be deemed to have been withdrawn from the date of issue of certificate under section 92(1) of the finance number 2 act 2024. Once the declaration is submitted, any pending appeal the high court supreme court must be withdrawn. Proof of withdrawal along with the payment details should be submitted to the designated authority, and in addition assessee must provide an undertaking that he will not pursue any further लीगल एक्शन रिगार्डिंग द डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी। तो ये तीन पॉइंट आपको और ध्यान रखने होंगे। दोस्तों, क्विकली आपके समक्ष रखता हूं कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में आपके लिए लागू होंगे। एक, दो, तीन, चार। पहला, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग बाय टैक्स पेयर, सबसे पहले ये फाइल करेंगे। सर्टिफिकेट इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपके फॉर्म वन को प्रोसेस करके सीआईटी के ऑफिस से इशू होगा। इंटीमेशन ऑफ पेमेंट बाय टैक्स पेयर, जब सर्टिफिकेट इशू हुआ आपने टैक्स पे किया डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का, आपका इंटीमेशन आपको देना है डिपार्टमेंट को। और फाइनली आपको ऑर्डर मिलेगा फॉर्म फोर में, ऑर्डर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ टैक्स एरियर। फॉर्म वन मस्ट बी फाइल सेपरेटली फॉर ईच डिस्प्यूट अनलेस बोथ द असेसी एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैव फाइल्ड अपील अगेंस्ट द सेम ऑर्डर, अलाउिंग फॉर अ सिंगल फॉर्म वन सबमिशन इन ईच केस। पेमेंट नोटिफिकेशन शुड बी सबमिटेड यूजिंग फॉर्म थ्री अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ विड्रॉल फॉर द रिलेटेड अपील। फॉर्म वन एंड थ्री विल नीड टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड विल बी एक्सेसिबल ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ई फाइलिंग पोर्टल। तो ये बात क्लियर रही कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही फाइल करने होंगे।
दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू इशू यू अ सर्टिफिकेट? एक फॉर्म टू में जो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ था, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल डिटरमाइन टैक्स पेबल एंड इशू द सर्टिफिकेट टू द एसएससी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ रिसीविंग डिक्लेरेशन। यानी फॉर्म वन आपने फाइल किया, उसके फाइल होने के 15 दिन में आपको फॉर्म टू जारी होगा यदि आपका केस फिट केस है इन द ओपिनियन ऑफ सीआईटी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द डिस्प्यूटेड टैक्स शेल बी पेबल बिफोर डिक्लेरेशन और पोस्ट इश्यूएंस ऑफ अ सर्टिफिकेट, सो द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट। तो पहले आपको फॉर्म टू में सर्टिफिकेट इशू मिलेगा सीआईटी की ओर से, उसके बाद विद इन नेक्स्ट 15 डेज आपको वो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। यानी डिक्लेरेशन फाइल करते समय पेमेंट नहीं करना है, जब आपको सर्टिफिकेट इशू होगा फॉर्म टू में तब आपको टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों प्रिकॉशंस व्हाइल ऑप्टिंग फॉर द स्कीम। अगर आप इस स्कीम में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, वन शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट अ डिक्लेरेशन विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड इफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एसएससी इज फाउंड टू बी फॉल्स और इफ द टैक्स पेयर वायलेट्स एनी कंडीशन एंड इन सच केस कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अगेंस्ट द एसएससी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिव्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं हम इस कैटेगरी में न फॉल कर जाएं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन विद लास्ट विवाद से विश्वास स्कीम 2020। सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन मेड इन विवाद से विश्वास स्कीम 2024 इन कंपैरिजन टू वीएसवीएस 2020। सर्च केसेस विच वर एड्रेस्ड इन वीएसवीएस 2020 दैट इज वीएसवीएस 1.0 फॉर असेसमेंट अप टू ₹5 करोड़ विच आर टोटली ऑमिटेड इन विवाद से विश्वास स्कीम 2024। यानी ऐसे केसेस जो सर्च से जुड़े थे 5 करोड़ रुपए तक के मैटर पहले ही स्कीम में कवर्ड थे, परंतु विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में सर्च या उसके कॉन्सिक्वेंशियल ओपन हुए असेसमेंट के मैटर कवर्ड नहीं है अंडर दिस स्कीम। वीएसवीएस 2024 डज नॉट कवर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन और मीडिएशन केसेस एंड केसेस वेयर एन असेसमेंट और अपीलेट ऑर्डर हैज बीन इशूड बट द अपील डेडलाइन डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड जुलाई 2024 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर विवाद से विश्वास 2024। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां एक ऑर्डर तो ऑलरेडी पास हो गया चाहे असेसमेंट में या अपील में एंड अपील की जो डेडलाइन है वो समाप्त हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम में आने के योग्य विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में नहीं रहते। तो दो विषय पर क्लैरिटी की अभी और अपेक्षा है भारत सरकार से। पहला, केसेस वेयर ऑर्डर्स आर ऑलरेडी पास एंड अपील इज नॉट फाइल बट द टाइम टू फाइल एन अपील हैज नॉट इलेप्स एज ऑन 22nd of July 2024। यानी ऑर्डर तो पास हो गया परंतु अपील फाइल करने का भी टाइम नहीं गया और 22 जुलाई 2024 निकल गई, मैंने अपील नहीं करी, तो क्या मेरा केस विवाद से विश्वास में जाने के लिए फिट केस है? मैं तो मानता हूं फिट केस है, परंतु स्कीम में अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, केसेज दैट आर रिमांडेड बैक टू द फाइल ऑफ द एओबी। कभी कभी सीआईटी अपील आईटीएटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी केस को रिमांड में करते हैं ईओ के पास में, तो जब तक के ईओ को फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए मैटर ना भेजा गया हो, ऐसा मैटर जो प्रेजेंटली ईओ के पास पेंडिंग हो उसे भी विवाद से विश्वास स्कीम में एलिजिबल माना जाना चाहिए। परंतु इस विषय में प्रेजेंट टाइम में क्लैरिटी नहीं है जो भारत सरकार से अपेक्षित है। दोस्तों अब लाखपति की बात करता हूं, शुड वन ऑप्ट फॉर द स्कीम और नॉट। बोले भटिया जी यही तो पॉइंट है, मैं देख रहा था कि क्या मुझे इस स्कीम में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दो व्यक्ति हैं सर, पहला वो जो मेंटल पीस बाय करना चाहते हैं, चाहे वो बिल्कुल जेन्युइन है, उनको लगता है कि डिमांड पूर्णतः गलत है, पर उन्हें लगता है कि नहीं साहब मैं इस पचड़े में नहीं रहना चाहता, तो आप डिस्प्यूटेड टैक्स का मैटर है तो टैक्स पे करिए, इंटरेस्ट पेनल्टी से बचिए। अगर आपकी पेनल्टी इंटरेस्ट संबंधी मैटर है तो 25-30% जो भारत सरकार कह रही है वो दीजिए, मैं इसे यह कह सकता हूं पीछा छुड़वाइए। लेकिन ऐसे केसेस बहुत से हैं दोस्तों जहां पर बहुत बड़ी डिमांड डिपार्टमेंट ने क्रिएट करी है और करदाता को विश्वास है कि उसके फैक्ट्स इस प्रकार के हैं कि डिमांड सस्टेन नहीं करेगी, तो ऐसे करदाताओं को निश्चित रूप से इस स्कीम में जाने की सलाह नहीं दी जा सकती। हालांकि दोस्तों मेरी इस सलाह पर जाने से पहले आप अपने चार्टर अकाउंटेंट से अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस करें, वो आपको जैसी राय दें उसके बेसिस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक फाइनल टेक मेरी ओर से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अंत में दोस्तों आशा करता हूं कि विवाद से विश्वास स्कीम 2024 पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई ये वीडियो आपको इस स्कीम का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझाने में समझने में हेल्पफुल रहेगी।
यदि आपके इससे जुड़े और कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी उत्तर आप तक पहुंचा पाऊं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।